एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने 7 मई से जारी हड़ताल वापस ले लिया है। दरअसल 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स ने एक साथ सिक लीव अप्लाई की और अपना मोबाइल फोन ऑफ कर लिया। इस वजह से एयरलाइन को 170 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी। इसके बाद एयरलाइन ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया और हड़ताल वापस न लेने पर सभी को नौकरी से निकालने की बात कही। चीफ लैब कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में एयरलाइन और कर्मचारियों के बीच हड़ताल वापस लेने और बर्खास्त स्टाफ की बहाली पर सहमति बनी। पूरे मामले को लेकर स्टाफ का कहना है कि जनवरी 2022 में टाटा ने एयरलाइन का टेक ओवर किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। सैलरी का बड़ा हिस्सा PLI में चला गया। सीनियर भेदभाव बरतते हैं, प्रमोशन पॉलिसी ठीक नहीं है। स्टाफ का कहना है कि AIX कनेक्ट और विस्तार का एयर इंडिया में मर्जर एयर इंडिया के मूल कर्मचारियों के खिलाफ है।